सीएम तीरथ रावत से मिले कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सत्यपाल, लगाई अंतरंग संरक्षण की गुहार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह बोले, कर्मकार कल्याण बोर्ड में घपले की जांच करे सरकार। एलोपैथी पर टिप्पणी मामले में स्वामी रामदेव पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों को दी चुनौती। कोरोना से जंग में सरकार की तैयारियों से नाखुश हाईकोर्ट, कहा तीसरी लहर में हमारे बच्चे मरने लगेंगे, तब तैयारियां करेगी उत्तराखंड सरकार। कोरोना की रफ्तार में ब्रेक, दूसरी लहर में उत्तराखंड में पहली बार कोरोना से 150 से कम मामले आए सामने। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला, करेंगे खबरों का लेकिन उससे पहले बड़ी खबर देहरादून से। खुलेगा बंद पड़ा जनता दरबार, देहरादून से खबर। आपको बता दें कि जनता दरबार जो कि बंद हो गया था उसे खोला जाएगा, नागरिकों की फरियादें सुनी जाएगी। सीएम तीरथ की अगुवाई में ये जनता दरबार खुलेगा। सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को जनता की फरियाद सुनी जाएगी, ना सिर्फ सुनी जाएगी बल्कि उनकी समस्याओं का निस्तारण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री सख्त हैं और लगातार वो जनता को लुभाने का भी प्रयास कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को जिस तरीके से दरकिनार ना करते हुए सुना जा रहा है, उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। और जनता दरबार जो कि काफ़ी समय से बंद था उसे अब खोला जाएगा। सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में ये जनता दरबार लगेगा और फरियादियों की फरियाद सुनी जाएगी, नागरिकों की फरियाद सुनी जाएगी। सीएम तीरथ की अगुवाई में दरबार खुलेगा। सोम, बुधवार, शुक्रवार को सुनी जाएगी फरियाद। देहरादून से पड़ा जनता दरबार, नागरिकों की सुन। सीएम तीरथ की अगुवाई में खुलेगा दरबार। सोम, बुधवार, शुक्रवार को फरियाद सुनी जाएगी। काफ़ी इस समय से जो जनता दरबार बंद था उसको खोला जाएगा और नागरिकों की फरियाद सुनी जाएगी। सीएम तीरथ की अगुवाई में खुलेगा जनता दरबार। देहरादून से खबर, खुलेगा बंद पड़ा जनता दरबार। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकित काला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, जनता दरबार जो कि इतने लंबे समय से बंद चल रहा था, आखिरकार उसे खोलने का निर्णय ले लिया गया है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि सीएम तीरथ सिंह रावत अब किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं और जनता की फरियाद को सुनना चाहते हैं, उनकी समस्याओं का निस्तारण करना चाहते हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल यशी, आपने सही कहा, चूंकि अब चुनाव भी है और ऐसे में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते और यही वजह है कि उनके ओर से जो कार्यक्रम है उसको जारी किया गया है। यानी कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सप्ताह में 3 दिन जनता के फरियादों को सुनेंगे और इसको लेकर के कार्यक्रम भी जारी कर दिए गए। इसके साथ ही
जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके लिए भी कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके अलावा जो गणमान्य लोग आएंगे उनके लिए भी मुलाकात का कार्यक्रम जारी किया गया है। तो जो कार्यक्रम जारी हुआ है यशी, उसके मुताबिक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को इसमें सुबह 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक जो मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय है वहाँ जनता दर्शन हॉल में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिनों में जो उत्तराखंड राज्य की जनता है वो अपनी फरियाद को लेकर के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के पास जा सकती है और उनकी जो फरियाद है उसका निस्तारण करने की भी राज्य सरकार कहीं ना कहीं कोशिश करेगी। तो एक अच्छी पहल है जिससे कि जो जनता जो कि चुन के भेजती है सरकार को, और उसके सबसे बड़े जो मुखिया हैं उनके पास सीधा जनता की जो फरियाद है वो पहुंचेगी। तो ये एक बड़ी अच्छी पहल कही जा सकती है राज्य सरकार की ओर से। इसके साथ ही साथ सुबह 9 से लेकर के 11 बजे तक जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, इनको भी मुलाकात करने के लिए आमंत्रण दिया गया है। इसमें पार्टी किससे संबंधित अगर कोई चर्चा है वो उसको की जा सकती है। तो 2 घंटे का जो समय है वो रोजाना निर्धारित किया गया है, जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जो गणमान्य सदस्य अगर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात करना चाहते हैं तो वो भी सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक जो है वो मुलाकात कर सकते हैं। उसके लिए दोपहर 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। तो ऐसे करके जैसे अगर आप देखेंगे तो हर एक वर्ग को छूने की कोशिश मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं चुनाव आने वाले, तो ऐसे में ये बड़ा अहम हो जाता है। तो सरकार की कोशिश यही है कि हर एक वर्ग तक अपनी पहुंच बनाए, चाहे फिर वो पार्टी के कार्यकर्ता हों चाहे फिर वो उत्तराखंड की आम जनता हो। बिल्कुल अंकित, 2022 में चुनाव जरूर होने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जनता दरबार लगाना बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारियों की वजह से जो लोगों की समस्याएं हैं वो मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाती हैं, और शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं होता है कि क्या चल रहा है, लोगों की क्या समस्याएं हैं। ऐसे में जनता दरबार लगाना काफी सराहनीय कार्य भी है, और सिर्फ फरियाद सुनना ही काफी नहीं है, उन फरियादों का निस्तारण करना भी एक प्राथमिकता होगी सीएम तीरथ सिंह रावत की। बिल्कुल जैसे आपने सही कहा, क्योंकि देखिए जिस तरीके हमारे उत्तराखंड के भौगोलिक परिस्थितियां हैं, दूर दराज के इलाका है, बहुत इंटीरियर में 11वीं हिमालय राज्य हमारा उत्तराखंड राज्य है, तो ऐसे में जो पहाड़ की जनता है वो उसका डायरेक्ट सीधा जो मुख्यमंत्री से संपर्क उतने सुखद रूप से नहीं हो पाता है। लेकिन जिस तरीके से कोशिश की गई है कि अब सप्ताह में 3 दिन अगर मुख्यमंत्री जनता दर्शन हॉल में जनता के फरियादों को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं कार्यक्रम निश्चित होगा, और जो दूर दराज से आने वाले लोग हैं उनके उनका भी जो समय है वो बर्बाद नहीं होगा। इसके अलावा जो उनकी अपेक्षाएं हैं कि काम जल्द से जल्द हो जाए, तो वो सारी चीजें भी कहीं ना कहीं काफी हद तक सुरक्षित हो जाएगी। दूसरा एक बड़ी दिक्कत ये आती है जैसे कि जो अंकित आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक, हमारे जो बीच के जो बिचौलिए हैं या जो अन्य लोग हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं राज्य की जो जनता है उसको राहत मिलेगी। अब देखना यह है कि सरकार की तरफ से इस जनता की फरियाद को सुनने का फैसला तो लिया गया है, लेकिन ये कार्यक्रम कब तक चलता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछले मुख्यमंत्री ने भी इस तरीके से कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे लेकिन वो काफी समय तक नहीं चल पाए थे। मौजूदा मुख्यमंत्री की ओर से जो कार्यक्रम जारी किए गए हैं वो कब तक जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं, कितने समय तक ये कार्यक्रम चलता है, कितने महीनों तक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है, इन सब विषयों पर कहीं ना कहीं हम सबकी निगाह रहेगी। लेकिन विपक्ष का कहना यह है कि चूंकि चुनाव सर पर है इसलिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को कार्यकर्ता भी याद आ रहे हैं, जनता भी याद आ रही है, और यही वजह है कि इस तरीके से कार्यक्रम जनता मिलन के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। तो विपक्ष अपनी ओर से कटाक्ष जरूर कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि वो जनता की समस्याओं के समाधान के लिए इस तरीके से कार्यक्रम बिल्कुल अंकित, भले ही विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा हो, लेकिन अगर जनता दरबार लगाया जा रहा है, जनता की समस्याएं सुनी जा रही हैं, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस वक्त समस्याएं सुनना बहुत जरूरी है। लोग लॉकडाउन में जिस तरीके से परेशान हुए, चाहे वो ब्लैक फंगस हो, चाहे वो कोरोना की दूसरी लहर हो, जिससे लोग परेशान हुए, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल है, और मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को इस तरीके से कटाक्ष करना चाहिए, लेकिन विपक्ष का काम है
राजनीति करना, तो वो अपना काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से ये जो पहल की जा रही है काफी बेहतर है। मैं आपसे समझना ये भी चाहूंगी कि ये जनता दरबार कहाँ पर लगाया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है और किस तरीके से लोग डायरेक्टली मिल पाएंगे, क्या इसका कोई प्रोसेस है या फिर आप सीधे जाके अपनी समस्या मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसी जो कार्यक्रम जारी किया गया है उसमें उसके मुताबिक जो मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय है वहाँ पर जो जनता दर्शन हॉल है वहाँ पर तमाम जो फरियादी है वो मुख्यमंत्री से वार्ता कर सकेंगे। कुछ एक सुरक्षा नियमों के तहत ही उनको भीतर जाने दिया जाएगा। इसके अलावा चूंकि COVID-19 महामारी इस वक्त भी हमारे सामने है तो उन सब COVID-19 की जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन किया जाएगा। तो इसके बाद जो भी उनकी जो मुख्य द्वार पर जो भी एंट्री होनी है उनसे जुड़े हुए जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई जाएगी। लेकिन जो पहले की अगर हम व्यवस्था देखें यशी, तो जब ये कार्यक्रम निर्धारित नहीं होता है तो ऐसे में जनता में कहीं ना कहीं असमंजस रहता है। अब जब खुद मुख्यमंत्री की ओर से ये इस कार्यक्रम निर्धारित किया गया है तो ऐसे में जनता को कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित रहता है कि हमारा जो काम है जो हमारी फरियाद है वो कहीं ना कहीं सुनी जाएगी। और अगर सीधे तौर पर अगर मुख्यमंत्री से इनके पास अगर उनकी फरियाद जाती है तो कहीं ना कहीं एक जो 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 काम होने की जो तेजी है वो भी बढ़ती है। इसके साथ साथ जो बीच में जो जो घपले घोटालेबाज होते हैं वो इस तरीके से जो मुख्यमंत्री से मिलाने के नाम पे या उनके फरियाद को पहुंचाने सरकार तक पहुंचाने के नाम पे जो जो वसूली की जाती है लोगों से, इस तरीके की खबरें भी आती है, तो इन सब चीजों से भी कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। और इसके साथ साथ जो जो लोगों जो अधिकारी बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं या जो जनता की फरियाद को नहीं सुनते, तो अगर मुख्यमंत्री का सीधा हस्तक्षेप होगा, उनका निर्देश दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उस काम को भी होने में काफी हद तक मदद मिलेगी। तो एक सराहनीय पहल है। हालांकि विपक्ष इसको जरूर चुनाव से जोड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार कोशिश जरूर ये कर रही है कि किसी भी तरीके से जो जनता की फरियाद है उसको सरकार पूरा करे और जनता की जो उम्मीदें हैं उस पर सरकार कहीं ना कहीं खरा उतरने का प्रयास जरूर कर रही है। बिल्कुल अंकित, ये बहुत महत्वपूर्ण है और जैसे कि आपने बताया कि जनता दरबार इससे पहले भी लगाया गया था, तो ऐसे में इसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करना भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक चुनौती भी है कि इस कंटिन्यूटी को मेंटेन कर सके ताकि जो लोग हैं उनकी क्या समस्याएं हैं इसको आसानी से समझा जा सके। क्योंकि इस कोरोना काल में हमने बहुत अव्यवस्थाएं देखी हैं, हमने देखा कि कैसे अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी थी, हमने देखा कि कैसे अस्पतालों में बेड्स की कमी थी, हमने देखा कि कैसे लोगों को इलाज के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ रहा था। तो इस तरीके की समस्याएं भी आमजन में है और चूंकि तीसरी लहर का भी अंदेशा लगातार जताया जा रहा है, तो ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि लोगों को क्या समस्या है, उनसे कैसे निजात पाए, वो कैसे इससे निजात पा सकेंगे, इसको लेकर मंथन विचार विमर्श जरूर करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल यश, आपने सही जगह एक इस बात को इंगित किया है। चूंकि देखिए जिस तरीके से कोविड पेंडेमिक हमारे सामने अभी तक है और काफी लंबे समय से ये महामारी जो है वो जाने का नाम नहीं ले रही, दूसरी बात यह कि नए नए वेरियंट जो है वो आने में लगे हुए हैं। अब तीसरी लहर की बात हो रही है, उसमें बच्चों से जुड़ी भी ये जो महामारी है वो बताई जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो हमारे उत्तराखंड के जो अस्पताल है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो जो लोग अस्पतालों में जाएंगे वो अपना अनुभव कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के सामने उसको शेयर करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर किसी अस्पताल की तरफ से कोई लोगों से जो अधिक जो चार्ज है वो लिया जाता है तो उसकी भी शिकायत कहीं ना कहीं जनता करेगी। और इसके अलावा जनता के क्या कुछ सुझाव हैं कि और बेहतर कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा हिमालय राज्य है जैसी, तो जहाँ पर जो पहाड़ों में जो जो अस्पताल हैं वहाँ की स्थिति तो और भी ज्यादा दयनीय है और अधिकांश जो अस्पताल हैं वो सिर्फ एक रेफर सेंटर तक बनकर रह गए हैं। तो ऐसे में किस तरीके से पहाड़ों की परिस्थितियां हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री इस वक्त देहरादून में अधिकांश रहते हैं तो जो पहाड़ की परिस्थितियां हैं वो काफी हद तक विकट है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पहाड़ की जनता भी इस बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकती है, जो दूर दराज में रहने वाले लोग हैं वो इस बात को पहुंचा सकते हैं कि अस्पतालों की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से लोग उनको लूट रहे हैं, नहीं लूट रहे, अच्छा बेहतर व्यवस्था है, खराब व्यवस्था है, इन सब चीजों को लेकर के भी जनता मुख्यमंत्री के पास जाएगी। तो निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से तीसरी लहर की बात की जा रही है तो वहां पर भी जो अस्पतालों की जो मनमानी है हमें लगता है कि संभवतः उसको भी रोकने का प्रयास कहीं ना कहीं राज्य सरकार करेगी। और अगर सीधे तौर पर
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का हस्तक्षेप होगा तो कहीं ना कहीं जो अस्पतालों की जो मनमानी है, जो लूट है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगने की उम्मीद लगाई जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल अंकित, कहीं ना कहीं हर लिहाज से अगर हम देखा जाए तो ये जनता दरबार बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों की समस्याएं जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और चूंकि मुख्यमंत्री हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं, ऐसे में अगर जनता उनके पास जाती है अपनी फरियाद को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि उनके संज्ञान में अगर बातें आएंगी तो वो चीजों को और बेहतर कर पाएंगे। 2022 के चुनाव जरूर नजदीक है, लेकिन उससे पहले ये जनता दरबार लगाना कहीं ना कहीं एक बड़ा शस्त्र कह सकते हैं, साबित हो सकता है, अगर वो लोगों की फरियाद सुनते हैं और उसका निस्तारण भी जल्द से जल्द करवाते हैं। ना सिर्फ सुनना, इसका निस्तारण करना भी बहुत जरूरी है। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की, जो कि जनता दरबार लगाएंगे। आपको बता दें कि इस जनता दरबार के जरिए जनता अपनी फरियाद मुख्यमंत्री से सीधे जाकर लगा सकती है, और उनसे और मुख्यमंत्री ना सिर्फ उनकी फरियाद को सुनेंगे बल्कि उसका निस्तारण भी जरूर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पहाड़ क्षेत्रों में बहुत समस्याएं हो रही हैं। कोरोना काल में हम बहुत सारी अव्यवस्थाएं देख रहे हैं, मुख्यमंत्री हर जगह नहीं जा सकते, लेकिन जनता अगर उनके पास अपनी समस्या को लेकर जाएगी तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अवगत होंगे और उन चीज़ों को सुधारने का प्रयास करेंगे। तो ये काफ़ी सराहनीय पहल है जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा की जा रही है। और अब रुख करेंगे खबरों का। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हरिद्वार में कोरोना जांच फर्जीवाड़े को लेकर भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं ने फर्जीवाड़े के आरोपी कंपनी के संचालकों के भाजपा से जुड़े होने के आरोप लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कंपनी के व्यक्तियों के तार केंद्र से लेकर राज्य सरकार और भाजपा के दिग्गज नेताओं से जुड़ रहे हैं और इसी वजह से यह घोटाला हुआ है और अब इसे दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हरिद्वार में कुंभ के दौरान कोरोना जांच में अनियमितताएं की दोषी जिस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी उसे बचाने की कोशिश की जा रही। एलोपैथी पर टिप्पणी करने के मामले में देश के विभिन्न हिस्सों में दर्ज एफआईआर के खिलाफ स्वामी रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज मामलों को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि एक ही चीज के लिए कई केस नहीं दर्ज किए जा सकते। याचिका में मांग है कि पटना और रायपुर में दर्ज मामलों को संलग्न करके एक साथ सुनवाई के लिए दिल्ली स्थानांतरित किया जाए, साथ ही पटना और रायपुर में दर्ज प्राथमिकियों पर लंबित कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है खुद ही अल्फाज़ों का नूर, 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 नूर। दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के जिलों से 84 और कैदियों को पैरोल और अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित हाई पावर कमेटी ने इसकी संस्तुति की है। इससे पहले 736 कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर प्रदेश के जेलों से छोड़ा जा चुका है।
कोविड 19 के संक्रमण को देखते हुए बुधवार को हुई हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। प्राधिकरण सदस्य सचिव आर के खुलबे ने बताया कि बैठक में राज्य की कारागारों से कुल 84 और कैदियों को 60 दिन के पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। कुंभ में कोविड जांच प्रकरण को लेकर विभिन्न स्तरों पर जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे ही वैसे कुंभ कोविड जांच को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं और इसी के चलते ये मामला भी प्रदेश में आग की तरह फैलता जा रहा है। इकबालपुर स्थित अपने कैंप कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी NHRC उत्तराखंड के डिप्टी कन्वीनर उत्तराखंड मोहम्मद आदिल फरीदी ने कहा कि कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में कोविड महामारी के नाम पर घोटाला करना प्रदेश की भाजपा सरकार के लिए बहुत बड़े शर्म की बात है, क्योंकि भाजपा हमेशा धर्म के नाम पर एक दूसरे को बांटने का काम करती आई है। मोहम्मद आदिल फरीदी ने कहा कि जो कुंभ कोविड घोटाले के लिए हरिद्वार जिलाधिकारी द्वारा टीम गठित की गई वह उनसे संतुष्ट नहीं है। मैं मोहम्मद आदिल फरीदी, राष्ट्रीय मानवाधिकार डिप्टी कन्वीनर और राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी की संज्ञान में एक मामला आया है जो महाकुंभ मेला हुआ है, इसमें कोविड के नाम पर बहुत बड़ा घपला हुआ है और चीफ नेशनल कन्वीनर राष्ट्रीय मानवाधिकार के डिप्टी डॉक्टर आनंद वर्धन शर्मा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज साहब ने ये मामला अपने संज्ञान में ले लिया है। माननीय मुख्यमंत्री को एक ईमेल द्वारा उन्होंने ज्ञापन भेजा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी जो ये कमेटी बनाई है जिला स्तर पर और जिला स्तर पर ये घपला हुआ है तो इस पर संतुष्ट नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी ये मांग करती है कि प्रदेश स्तर पर ये कमेटी बनाई जाए। नेशनल हाईवे पर तेज गति से दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ यातायात पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। NH58 दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर लाइन बनने के बाद वाहनों की गति भी बढ़ गई है। भीड़भाड़ वाले इलाके में तेज गति से दौड़ रहे वाहनों से कई दुर्घटनाएं घट चुकी हैं। तेज रफ्तार से दौड़ रहे वाहनों की चपेट में आकर कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तेज गति से दौड़ रहे वाहनों पर लगाम कसने के लिए यातायात पुलिस कार्रवाई करने में जुट गई है। यातायात निरीक्षक मोहम्मद अकरम ने बताया कि 4-लाइन हाईवे बनने के बाद वाहनों की रफ्तार में तेजी आई है। तेज रफ्तार से दौड़ने वाले वाहन चौबे के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है। हमारा जो इंटरसेप्टर हमें वाहन प्राप्त हुआ है और जो भी हमारे हाईवे बने हुए हैं, इन हाईवे पर जो भी हमारे एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जहाँ पर होते हैं उसके दृष्टिगत एक्सीडेंट कम हो इसलिए ओवर स्पीडिंग के चालान ये ट्रैफिक रुड़की द्वारा काटे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। बाजपुर में धर्म परिवर्तन को मक्का मामला सामने आया है और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वही मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में हंगामा किया और कार्रवाई की मांग की है। वही पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बता दें कि बाजपुर में नौकरी का झांसा देकर एक युवक को धर्म परिवर्तन कराया गया। वकील जो है राहुल चंद्रा चला जाता है जी। मेरे भाई को विदेश का ढांचा दिया गया था और वो विदेश गया, उसके बाद घर आया। घर आने के बाद ये अजीब अजीब सी बातें करने लग गया, चोरी चोरी नमाज पढ़ने लग गया और जब हमने समझाया काफ़ी तो ये नहीं माना और ये जो हमारे पुराने गांव वाले लोग थे नूरसेन पुत्र मुकम्मिल, हमने जब डराया इसको तो ये लोग बोले कि तू यहाँ पर आजा और उसकी माँ ने कहा कि ये हमारा बेटा है, तुम्हारा कुछ नहीं लगता है। आज फिर भी इससे अछूता नहीं रहा है। मुंडियाकला खेड़े पर रहने वाले राहुल चंद्रा का धर्मांतरण नौकरी का झांसा देकर कराया गया है और वकील पुत्र नूरसेन जो कि टांडा तहसील का उत्तर प्रदेश का रहने वाला है उसने बाजपुर रहने वाले राहुल चंद्रा का नौकरी के नाम से झांसा देकर दुबई बुलाकर धर्मांतरण कराया है और जब से वो वापस आया है 18-19 में तब से हिंदू संस्कृति रीति नीति का अनुपालन न करके
इस्लाम की पूजा पद्धति को अनुसरण में लेके आया है। हमारे पास से बाजपुर कोतवाली में एक तहरीर प्राप्त हुई है कि शिकायतकर्ता ने बताया है कि 2016 में उसके भाई को नौकरी का झांसा देकर उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया है। जिस प्रकार का घटना वो बता रहा है, एक घटना संभवतः दुबई में और रामपुर उत्तर प्रदेश में होना लगती है। इस वक्त वर्तमान में जो पीड़ित व्यक्ति है वो यहाँ है भी नहीं, वो अभी रामपुर में रहना बताया जा रहा है। इस मामले में हमने तहरीर ले ली है और हमने SSI को निर्देशित कर दिया है कि वे रामपुर उत्तर प्रदेश जाकर उस पीड़ित व्यक्ति से मिलेंगे और उसका एक वर्जन ले लेंगे कि इसके किन परिस्थितियों में वो वहाँ रह रहा है या उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती या किसी तरह का कोई मामला तो नहीं है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए ये न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मिलेगा हर समस्या का समाधान, विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा, देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन पढ़ी जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया का वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512-239-0031 और 0512-239-0032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन, मिलेगा हर समस्या का समाधान, विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा, देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर डॉक्टर संजय निषाद ने रखी मांगे, कहा भाजपा बड़ा और निषाद पार्टी छोटा भाई।
तो रोजगार संगम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांटा 2,505 करोड़ का ऋण, 31,542 एमएसएमई यूनिट्स को मिला लाभ। जबकि सीएम का मिर्जापुर आगमन